अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। अभी आज दिन में 5 बजे मुझे ये इत्तला मिली कि कोई श्रवण कुमार नामी शख्स जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था और ये जो है जवाहर नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स का रहने वाला शख्स है। कल रात में कोई मुकामी मुस्लिम बच्चे जाकर वहाँ पर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को कंप्लेंट दिए थे, लेकिन उसके ऊपर ना FIR हो रहा था ना उसको गिरफ्तार किया जा रहा था। मुझे सलीम भाई जो है 5 बजे इतला किए, वहाँ के मुकामी लड़के भी इतला किए। मैं अभी जैसा ही मुझे मालूम हुआ तो मैं पुलिस के आला अहदेदारों को SMS किया था, WhatsApp पे डिटेल पूरा भेजा था, और अभी मैं इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से बात किया तो वो कोई FIR नंबर भी दिए हैं, अंडर सेक्शंस भी दिए वो, और उसको गिरफ्तार भी किया गया है। तो हमारा मुतालबा है कि क्योंकि ये एक तो इलेक्शन का पीरियड चल रहा है और बहुत ही सेंसिटिव है, थोड़ा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की तरफ से लापरवाही की गई है, क्योंकि कल रात का वाकया ये अभी तक नेट नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है बोल के उसको पेंडिंग डाला गया था। इसको इमीडिएट गिरफ्तार, न सिर्फ गिरफ्तार बल्कि इसके ऊपर PD एक्ट डाल के इसको भेजना चाहिए। अब समझते नहीं आप बोलो। जैसा अमजदुल्ला खान साहब को इस बात की इत्तला मिली है जवाहर नगर के ये वाकियत के लिए, यकीनन शहर हैदराबाद की तमाम आवाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को हम खतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बार बार कोशिशें की जाती है मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने के लिए। आज जो सोशल मीडिया पर और जो व्हाट्सएप ग्रुपों में जो तस्वीर को उन्होंने वायरल किया है, अगर कोई मुसलमान अगर वो तस्वीर को देख ले तो उसका जो है खून खौल जाए और वो जो है सड़कों पर निकल के एहतजाज करे। लेकिन जमहूरियत, हम एक मुल्क में रहते हैं, जमहूरियत हमारा हक है, और जमहूरियत के तहत जवाहर नगर के इंस्पेक्टर से जनाब अमजदुल्ला खान साहब ने बात की है, FIR हुआ है, अरेस्ट हुआ है, लेकिन छोटे मुकदमात में गिरफ्तार करना ये बेइंतहा गलत बात है, क्योंकि मामला छोटा नहीं है। मामला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का है, तो इसके लिए शहर हैदराबाद के तमाम लोग, क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है तो हम नहीं चाहते कि वहां पर जो है पुरसकून माहौल वहां पर कुछ खराब हो, तो पुलिस को चाहिए कि बिल्कुल यानी क्लियर तौर पर उनको गिरफ्तार करे, PD एक्ट का मुकदमा डालकर पूरे लोगों को इस बात की इत्तला दे दे कि हैदराबाद की तेलंगाना की पुलिस गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रखने के लिए काम कर रही है। जवाहर नगर से कुछ नौजवान बड़ी तड़प के साथ मुझे फोन किए और मुझे वो तस्वीर भेजे। जब मैं तस्वीर देखा तो मेरी आंख में आंसू आ गए जज्बात से। मैंने फौरी अमजदुल्ला खान साहब को वो फोटोज़ भेजा और उनको फ़ोन किया। मैंने कहा ये केस के ऊपर आप इमीडिएट एक्शन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक्शन लिया गया, इलेक्शन का टाइम है। मैं हुकूमत और ख़ास तौर से CM रेवंत रेड्डी साहब से कहूँगा कि ये फ़िरका परस्त ताकतें जो अपना एक वोट के लिए हैदराबाद के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये फ़िरका परस्त ताकतें 2 दिन पहले भी एक काम किए जो आप लोगों ने देखा, वो तीर का काम करे हमारी मस्जिद को बता के, अब ये दूसरा काम है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सरकार की शान में गुस्ताखी होगी तो हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी। मैं हुकूमत से कहूँगा कि BJP की साजिश से, RSS की साजिश से आप अपनी हुकूमत को रेवंत रेड्डी साहब बचाइए, और इन तमाम को जो है इनके ऊपर नज़र रखिए। इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, जितने भी डिपार्टमेंट है ये तमाम के पेजेस को चेक करते रहिए टाइम टू टाइम फेसबुक के, और इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है। खुदा हाफिज़।